आज तारीख है 3 दिसंबर। सुबह से कई अखबार पढ़ चुका हूं, बड़े बड़े अखबार, लेकिन किसानों के बारे में ज्यादा कुछ लिखा ही नहीं। इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है देश में, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं है। फ्रंट पेज की खबर है ये, लेकिन किसी अखबार में तो ये खबर ही नहीं है, और किसी किसी अखबार में ये तीसरे चौथे पांचवें पेज पर ये खबर आ रही है। तीसरे चौथे पांचवें पेज पर खबर आने की मतलब है कि इस देश में कुछ हुआ ही नहीं है, किसानों का आंदोलन ही नहीं हो रहा है, किसान सड़क पर नहीं है। सर्दी की रात है, दिसंबर का महीना है, सर्दी पीक पर होती है, और इस समय देश का अन्नदाता सड़कों पर है। ये देश के लिए बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। देश के प्रधानमंत्री अपनी बिजी शेड्यूल से कार्यक्रम में व्यस्त है, उनके पास समय नहीं है किसानों के बात सुनने के लिए। उन्होंने कमेटी बना दी, और कमेटी के कुछ मिनिस्टर लोग हैं जो किसानों से वार्तालाप कर रहे हैं, कुछ किसान नेता हैं जो उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। अब उसमें दो तरफा बात निकल के आती है। एक, क्या देश के प्रधानमंत्री को समय नहीं है किसानों से बात करने के लिए? देश का सबसे बड़ा अन्नदाता आज सड़कों पर है, और दूसरी तरफ किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं किसी विषय को लेकर, उनको सरकार का फैसला नामंजूर है। उनका कहना है कि हमारी कुछ शर्तें हैं, हम अपने शर्तों के हिसाब से आपके साथ में बात करेंगे। और दूसरी कड़ी में से पहली बात निकल के ये आती है, जो किसान वहां पर सड़कों पर उतर रखा है, उसके उस पूरी संगठन का, किसानों का जो पूरा संगठन है, जो सड़क पर किसान है, उनके जो नेता बन के जो उभर रहे हैं, वो उनमें से एक आदमी किसान नहीं है। अब ये कैसे पॉसिबल होगा कि भाई किसानों की बात करने के लिए जब टेबल कुर्सी की बात आती है तो वहां पर किसानों के अलावा भांति भांति के लोग मौजूद होते हैं, और फिर वो भांति भांति के लोग अपना अपना फैसला कर देते हैं, अपनी अपनी बातें कर देते हैं, और मीडिया में टाइमलाइन में आ जाते हैं। उनका राजनीतिक कोटा पूरा हो जाता है और किसान का कोटा वहीं का वहीं रह जाता है। यह आज से नहीं हो रहा, यह सालों से हो रहा है। माना कि जब भी देश में परिवर्तन होता है सबको समस्या होती है, ये सिर्फ किसानों की बात नहीं है। अगर किसी गांव में अगर सड़क भी बन रही है तो वहां पर डेली आने जाने वाले लोगों को भी समस्या होगी, लेकिन वो सड़क पूरी होने के बाद में सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होता है। ये एक तरफ बात है, लेकिन मेरा आप सब लोगों से कहना है, मेरा सबसे ज्यादा पत्रकार बंधुओं से कहना है कि भाई इस खबर को आप क्यों नहीं दिखा पा रहे हो, क्या वजह है? और ये गलत है, आप इस देश का एक वो अहम कड़ी हो जो हर बात को आप लोगों तक पहुंचाते हो। कुछ मीडिया हाउस को छोड़कर, और कुछ का नाम इसलिए ले रहा हूं मैं, कुछ में से वो लोग आते हैं जो स्टार्टअप में, जो मीडिया हाउस में जो काम कर रहे हैं, जो अपने फेसबुक पेज से काम कर रहे हैं, फेसबुक से एड जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग वहां पर सबसे ज्यादा है। सुबह से अखबार पढ़ने के बाद में एक बात रियलाइज हो गया कि जितने भी स्टेट से जो अखबार निकलते हैं, चाहे वो हरियाणा के हो, चाहे वो पंजाब के हो, चाहे वो राजस्थान के हो, चाहे वो दिल्ली गवर्नमेंट से निकलते हो, पीआर का जो पैसा मिलता है उनको, इस वजह से वो लोग खबर ही नहीं दे रहे हैं। वरना ये खबर तो फ्रंट पेज की होनी चाहिए थी, लेकिन फ्रंट पेज की खबर नहीं है। मेरा सब लोगों से आग्रह ये है कि अगर किसानों की बात है तो सबसे पहले किसानों को बात करनी चाहिए। किसानों ने जो जिनको नेता अपना थोप रखा है, थरप रखा है, उनको हटाओ पहले तो। किसान वो हो जो खुद खेत में काम करने वाला हो, यहां पर उनमें से एक भी नहीं दिखाई दे रहा है। और तीसरी कड़ी में ये भाई रात हरियाणा के किसान हैं, वो अपना आंदोलन कर रहे हैं, पंजाब के किसान हैं, उनको समस्या हो रही है, वो आंदोलन कर रहे हैं, यूपी के कुछ लोग आ रहे हैं इसमें शामिल हो रहे हैं, कुछ लोग उत्तराखंड के कुछ लोग आ रहे हैं, अरुणाचल के कुछ लोग आ रहे हैं, राजस्थान के, अब आज से जयपुर में धरना प्रदर्शन स्टार्ट हुआ है। पहले गंगानगर और हनुमानगढ़ के कुछ किसान लोग अपने एमएलए से मुलाकात करने गए थे कि भाई इस बारे में हम लोग बात करेंगे आपसे, जिसमें विधानसभा में पूरे भादरा से एमएलए हैं, उन्होंने इस बात को भी रखा था। लेकिन आज जयपुर में कुछ किसान लोग हैं वो दिल्ली हाईवे पर उतरे हैं और अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस उनके सामने लगी है। एक तरफ तो ये कोरोना का समय चल रहा है, एक तरफ किसान सड़कों पर है, दूसरी तरफ हम दबाव बना रहे हैं सरकार पर ऐसा कुछ करने के लिए, तो ये कतई भी सही नहीं किसी भी तरीके से। फिर तो ये मामला हो गया कि अगर किसी को भी समस्या होगी तो वो सड़क पर आ जाएगा। छोटी छोटी घरेलू समस्या होगी ना कॉलोनियों की, वहां पर भी लोग सड़क आके बंद कर देंगे, तो जान मान का नुकसान किसका हुआ?
सरकार का, सरकार किसकी है? अपनी। सरकार कौन बनाता है? अपन बनाते हैं। पैसा कौन देता है? अपन देते हैं, अपन टैक्स पेयर हैं, तो अपन का पैसा जाता है वहां पर। तो फिर कुल मिला के नुकसान किसका हुआ? अपना। हम लोग उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जिसको हमने ही संसद में और विधानसभा में भेजा है, और उन्हीं लोगों से हम लोग बात करने के लिए आज हमारे पास में समय, आज उनके पास में समय नहीं है, और हमारा ही लगा हुआ पैसा हम खुद खराब कर रहे हैं। तो दोनों तरफ नुकसान किसका है? हमारा है। मेरा सब लोगों से आग्रह ये है, आंदोलन अपनी जगह है, आप आंदोलन कीजिए। जैसा कि अमित शाह जी ने बोला था कि भी दिल्ली में एक जगह आपको अलॉट की जाएगी जहां पर आप लोग बैठिए, आराम से आप धरना प्रदर्शन कीजिए। जिसको भी धरने में शामिल होना है वो वहां पर आइएगा और बैठिएगा, बात रखेगा सरकार से। जो मुनादिन लोग हैं वहां पर, जो इस कमेटी के लिए पुख्ता किए गए हैं, कुछ लोग हैं जो किसानों से बात करेंगे, और वो बात जैसा भी होगा वो सबके सामने रखा जाएगा और सबकी बातें मानी जाएगी। अगर सरकार गलत कर रही है तो किसानों से राय ली जाएगी, अगर किसान गलत कर रहे हैं तो सरकार से राय लेके इसका काम किया जाएगा। लेकिन आप रोड ब्लॉक करना, सरकारी माल को नुकसान पहुंचाना, ये कदापि ठीक नहीं है। और ये धीरे 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 जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, वैसा ही सब मीडिया हाउस से मेरा कहना है कि भैया ये खबर है, इस खबर को आप फ्रंट पेज पे लाइए, ताकि जिसको भी इसका एहसास नहीं हो रहा अभी तक उसको इस बात का एहसास हो। धन्यवाद मेरी बात सुनने के लिए।